हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार आप देख सकते हो मेरे पास एक स्पीकर है, मतलब स्पीकर का चेसी है। ये फुल रेंज वाला स्पीकर होता है। तो ये बिरको का स्पीकर, बिरको मतलब कंपनी ने बिरको का जो बॉक्स आता है, मतलब कॉलम, जिसमें बेस के लिए नीचे 10 इंची का लगा हुआ होता है। तो ये बीच वाला स्पीकर है, हाई और मिड के लिए। तो बहुत टाइम से ये मेरे पास पड़ा है, तो आज सोचा क्यों ना इसको कोई जुगाड़ करके बजाते हैं। और इसमें मतलब इसका जो कोन है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको पेपर से बनाऊंगा इसका कोन। और ये इसका वॉइस कॉयल, ये आप देख सकते हो, देखो। तो इसका जो साइज है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, मतलब बढ़ाया है जो भी हो। ये आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाया है मैंने इसको, ये आप देख सकते हो। तो चलिए इसको लगाते हैं। सो गाइस, मैंने इसका वॉइस कॉयल लगा दिया है, और वॉइस कॉयल को लगाने के चक्कर में स्पाइडर मेरा फट गया, ये आप देख सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस का स्पीकर नहीं है तो इतना ज़्यादा कौन जंप नहीं करेगा, तो इतने से स्पाइडर से भी मेरा कम चल जाएगा, मतलब कि इतने से स्पाइडर से भी मेरा कम चल जाएगा हाई के लिए। मतलब इसको मैं सिर्फ ट्रैवल के लिए यूज़ करूँगा। तो और ये रहा इसका कौन, भाई साहब पता नहीं कैसा बना है यार, मुझे नहीं पता, अजीब सा लग रहा है मुझे। ये नोटबुक का पेपर है, मैंने काट लिया है इसको, लेकिन प्रॉपर गोल नहीं हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये बचता है कि नहीं। सो गाइस, मैंने इसको चेसी के साथ में चिपका दिया है, देखो अजीब सा लग रहा है भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, हमारा बस काम हो जाना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए स्पीकर, ये आप देख सकते हो। अभी पता नहीं काम करेगा कि नहीं, बजेगा कि नहीं, तो कोई बात नहीं, हम टेस्ट करेंगे। तो हेडफोन पहन लो, आज क्या ही हो रहा है पता नहीं, तो हेडफोन लगा लो जल्दी से। सो गाइस, मैंने कनेक्शन कर लिया है सारा कुछ, तो अभी इसको एम्पलीफायर के साथ में भी लगा दिया है। तो पहले जो हम ओनली ट्रैवल टेस्ट करेंगे, मतलब खाली ट्रैवल आएगा इसमें से कैपेसिटर लगा के, और दूसरी बार फुल रेंज में चला के देखेंगे कि कैसा साउंड आता है। लेकिन फुल रेंज में भाई साहब ये कौन फट सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, हेडफोन लगा लो, हम करते हैं साउंड टेस्ट।